जाके बाड़ी शहर में लगातार बढ़ रही हैं वारदातें, चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला शहर के सर्राफा बाजार से आया, जहां चोरों ने दो दुकानों के ताले तोड़ दिए। चोर दुकानों में से एक दुकान में चोरी की वारदात करने में सफल हो गए। दूसरी दुकान का सेंटर लॉक होने की वजह से वारदात नहीं हो पाई, लेकिन कोशिश पूरी की गई थी। घटना के बाद सुबह से शहर का सर्राफा बाजार बंद है। दुकानदार और व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस थाने पहुँच करके ज्ञापन SHO को सौंपा है। जानकारी के अनुसार शहर के सर्राफा बाजार में चवरिया पाड़ा को जाने वाली गली में दो दुकानों पर चोरी करने का चोरों ने प्रयास किया। इनमें से एक दुकान का सेंटर लॉक नहीं खुलने से चोरी नहीं हो पाई। दूसरी दुकान, जिसमें सोने चांदी की रिफाइनिंग का काम होता है, चोरों ने वहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित अमित देवधर ने बताया कि उनके यहां सोने चांदी की रिफाइनिंग और गलाई का काम होता है, पकाई का काम भी किया जाता है। रविवार को वो दुकान बंद कर घर गए थे। आज सुबह उन्हें दुकान का आधा शटर खुला मिला, सामान अंदर बिखरा हुआ था। दुकान से चोर करीब 7,000 रुपये की नकदी भी ले गए, साथ ही साथ 250 ग्राम चांदी, 7 ग्राम सोना चुरा कर ले गए। बगल में मनोज वर्मा की दुकान को भी चोरों ने तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए। अब सर्राफा संघ लगातार अब इसको लेकर के प्रदर्शन कर रहा है। हमारे सहयोगी नीरज शर्मा धौलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या है ये पूरा मामला? चोरी की घटनाएं तो रुकने का नाम नहीं ले रही। अब ये ताज़ा मामला जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये तरह की घटनाएं अब व्यापारियों के अंदर भी भय का माहौल भी ये बना रही हैं। क्या कुछ जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर? नीरज, आप अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, नीरज से हम फिर जुड़ेंगे। ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है कुछ, लेकिन तस्वीर आप देखिए कि दुकान के अंदर घुसकर ये चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है और सोना चांदी यहां से ले गए, साथ ही साथ कुछ नकदी भी चोर ले गए हैं। अब व्यापारियों के अंदर एक भय का माहौल है, साथ साथ एक आक्रोश भी है कि पुलिस उनके व्यापार को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रही है। नीरज के पास हम लोग चलते हैं। नीरज, ये पूरा मामला अब ज़रा बताइए इसको, और इसमें बड़ा विषय ये भी है किस तरह से एक व्यापारियों के अंदर एक आक्रोश भी जो है पैदा हो रहा है, क्योंकि पुलिस उस तरह की शायद सुरक्षा उनको प्रदान नहीं कर पा रही है। देखिए राहुल, मैं आपको बता दूं, जैसे ही वारदात हुई तो उसके बाद जो व्यापार संघ है उसमें आक्रोश भड़क गया। स्थानीय लोगों की वहां पर अच्छी खासी भीड़ एकत्रित हो गई, तो यहां पर लामबंद होकर व्यापारियों ने पुलिस को यहां पर ज्ञापन प्रेषित किया है और उसके माध्यम से आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। तो यहां पर पुलिस की जो कार्यशैली है, रात्रि गश्त व्यवस्था है, उस पर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। सत्ता परिवर्तन होने के जो हुआ उसके बाद से ही लगातार यहाँ पर जो हो रही है वारदातें हो रही हैं, चाहे चोरी की घटना हो, लूट की घटना हो, तो लगातार ये वारदातें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस का इकबाल है वो आम जन में बुलंद नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, इकबाल बुलंद नहीं हो पा रहा, और लेकिन बुलंद होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यापार जो है वो किसी भी शहर हो, प्रदेश हो, देश हो, उसकी जो है अर्थव्यवस्था का एक स्थायी स्तंभ होता है। तो ऐसे में अभी प्रशासन की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आया है नीरज, इस तरह की घटनाओं को लेकर के? एडिशनल SP ओम प्रकाश मीणा ने हमें बताया कि आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है और जो आरोपियों के जो उस टाइम की CDR है, लोकेशन और CCTV कैमरे, उनको भी वहां पर खंगाले जा रहे हैं। तो जैसा एडिशनल SP ने दावा किया है कि जो हुई है, घटना हुई है, उसको लेकर पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और जो इसका पूरे मामले का पर्दाफाश किया जाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। नीरज, कुछ मामले ऐसे भी रहे धौलपुर में बीते दिनों जो हमने खबर भी पढ़ी और खबर चलाई भी, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि पुलिस कामयाबी हासिल करने में जो है नाकामयाब रही है, यानी कई सारी वारदातें हैं जिनका अब तक कोई फाइल क्लोज हुई नहीं है। तो क्या सर्राफा संघ की ओर से कुछ प्रदर्शन करने की, आगे कुछ और कदम उठाने की भी तैयारी है? जी बिल्कुल राव, सर्राफा संघ के जो भी यहाँ पर पदाधिकारी हैं उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया, पुलिस थाने का भी घेराव किया। तो यहाँ उन्होंने सीधे सीधे पुलिस को चेतावनी दी है कि अगर इस मामले का राजपाठ नहीं यहाँ पर हुआ तो आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, और जो SP कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा। ठीक है नीरज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो नीरज शर्मा हमारे सहयोगी धौलपुर से रिपोर्ट कर रहे थे तमाम चोरी की वारदातों पर क्या कुछ प्रतिक्रिया है सर्राफा संघ की तरफ से आ रही है, और प्रशासन भी अब क्या प्रयास करेगा। नजर हमारी बनी रहेगी फिलहाल।